फर्स्ट है शंकराचार्य. शंकराचार्य वॉज बोर्न इन कलादी केरला एंड प्रोपाउंडेड द अद्वैत फिलोसॉफी मोनिज्म एंड निर्गुण ब्राह्मण. सो उन्होंने अद्वैत फिलोसॉफी बनाई थी. अद्वैत और द्वैत, द्वैत का मतलब होता है ड्यूअलिज्म, अद्वैत का मतलब होता है मोनिज्म, मतलब ओनली वन थिंग इज एग्जिस्ट, दैट इज कॉल्ड मोनिज्म. तो शंकराचार्य की फिलोसॉफी क्या थी? अद्वैता, द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड इज दैनिथ एंड द ब्रह्म इज कंसिडर्ड द ओनली रियलिटी. ब्रह्म मतलब आप ईश्वर समझ सकते हो, द अल्टीमेट रियलिटी, अल्टीमेट रूप, जो कुछ समझना चाहो जो समझ सकते हो आप, ठीक है. द एनालॉजी गिवन फॉर अद्वैत इज फेमस एनालॉजी ऑफ स्नेक एंड रोप. तो ये एनालॉजी से क्या समझ में आता है कि एक अंधेरे में अगर आपको कोई एक रोप दिख जाती है तो आप उसको अपने दिमाग में अज्यूम कर सकते हो कि शायद वो सांप है, बट जब हमें पता चलता है कि वो सांप नहीं है, वो सिर्फ एक रोप थी, तब हमें पता चलता है कि वो सिर्फ हमारे दिमाग का एक भ्रम था जो इसको स्नेक लेता था. मतलब यहाँ से ये पता चलता है कि सिमिलरली जो वर्ल्ड है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, जो भी है वो कुछ ब्रह्म है, जो भी कुछ है वो सब माया है. सो ओनली ब्रह्म इज कंसिडर्ड द ओनली रियलिटी. सो हिज फेमस क्वोट इंक्लूड ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मत्र ना पराहा, मीनिंग द एब्सोल्यूट स्पिरिट इज द रियलिटी एंड द वर्ल्ड ऑफ अपियरेंस इज माया. सो इसलिए इसको मायावाद के नाम से भी हम जान सकते हैं. एंड अकॉर्डिंग टू हिम ज्ञान अलोन कैन लीड टू सर्वेशन, मोक्ष प्राप्ति के लिए आपके पास अल्टीमेट रियलिटी, अल्टीमेट ट्रूथ होना जरूरी है. ही ऑल्सो रॉट कॉमेंट्री ऑन भगवद गीता एंड उपनिषद. ही रॉट थ्री बुक्स, उपदेश शास्त्री, विवेक चुदामणि एंड भज गोविंदम स्त्रोत. उनके फेमस चार मठ हैं जो सबको मोस्टली पता होते हैं. एक है श्रृंगेरी जो शारदा पीठ के नाम से भी जाना जाता है, जो कर्नाटक में है. दूसरा है द्वारका, वो भी शारदा पीठ के नाम से जाना जाता है, गुजरात में है. जगन्नाथपुरी उड़ीसा का, वो गोवर्धन पीठ के नाम से भी जाना जाता है. और चौथा है बद्रीनाथ जो ज्योतिर्मठ के नाम से भी जाना जाता है. सो ये हो गया हमारा शंकराचार्य के बारे में. तो शंकराचार्य